मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। सो फ्रेंड्स, जब मैं इसका पार्ट वन बना रहा था तो उस वक्त मैंने आप लोगों से कहा था कि पार्ट वन में मैंने आप लोगों को इसकी जो है ओवरव्यू दिया था मैंने अपने रूफटॉप गार्डन का, और अब मैं दोबारा से आ चुका हूँ पार्ट टू बनाने के लिए। और जो मेरा रूफटॉप गार्डन है, आप देख रहे होंगे, आपको मेरे पीछे ये नज़र भी आ रहा होगा किस तरह से बिखरा हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तादाद यहाँ पर प्लांट्स अवेलेबल है। तो अभी मैं इन सबको मैनेज करूँगा और रूफटॉप गार्डन को एक खूबसूरती देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से मैं अपने रूफटॉप गार्डन को, जो इस वक्त गुड लुकिंग नहीं है, किस तरीके से मैं इसे गुड लुकिंग में तब्दील करता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर आ जाइए, बगैर टाइम ज़ाय किए जो है ना, अब मैं अपने गार्डन को सेट करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो प्लांट्स पड़े हुए हैं इनको मैं उठा उठा के जो है ना उस साइड पर रखना शुरू कर रहा हूँ। अब मगरिब का टाइम होने वाला है, इसी वजह से जो है मैं थोड़ा स्पीड में काम करूँगा। तो जल्दी पौधे उठा उठा के यहाँ रखूँगा, और जैसे ही सारे पौधे वहाँ पर चले जाएंगे तो उसके बाद मैं जो है फिर देखूंगा कि कौन से प्लांट मुझे किस तरीके से लगाने हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर ले आए हैं, और ये आखिरी प्लांट सभी अभी भाई ने लाके यहाँ पे रखा है मेरे। और आपको ये जगह का एक थोड़ा व्यू दिखाऊं मैं। आप देखें, ये हमने नीचे ग्रीन मैट बिछाई हुई है, और ये सारी प्लेटें अभी यहाँ पर अटेगी, क्योंकि ये प्लेटें हम इसके ऊपर पोर्ट रखते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम प्लांट को पानी देते हैं तो इसका पानी डायरेक्ट इस ग्रीन मैट के ऊपर नहीं आए। तो अब हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि ये सारी प्लेटें भी यहाँ से हटा लेते हैं, और यहाँ की पूरी सफाई वगैरह भी कर लेते हैं। तो फिर इसके बाद हम डेकोरेशन वगैरह का यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम कौन कौन से प्लांट्स ला के यहाँ पे रखे हैं। और ये ग्रिल आप देख रहे हैं, ये ग्रिल तो हमने फिक्स कर चुके हैं इसको। ये देखिए, यहाँ से हमने मनी प्लांट्स को डेकोरेशन किया था। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि किस तरीके से हमने इसको यहाँ पर डेकोरेट किया था। ये हमारे तकरीबन 15-16 के करीब प्लांट्स थे, और इसकी बेलें हमने यूँ ऊपर चढ़ाई थी, और माशाल्लाह साहब इसकी भी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से बेले बाहर आना शुरू हो चुकी है। तो बहरहाल, अब हम पहले यहाँ की सफाई वगैरह कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं, इनके नाम क्या है, और यहाँ पर हम कौन से प्लांट्स रखने वाले हैं जिससे एक ब्यूटीफुल हमारा रूफ टॉप आ जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छा सेटअप लगाया हुआ है, यहाँ पर हमारा सिटिंग एरिया भी है, हम टेबल वगैरह भी यहाँ पर रखते हैं, चेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। तो आप इमेजिन करें कि जब हम यहाँ पे शाम का टाइम हो और हमारा एक ब्यूटीफुल लुक हो इसका रूफ टॉप का, और यहाँ पे बैठ कर हम टी पी रहे हो और ये सनसेट को एंजॉय कर रहे हो, तो क्या ही मज़े है इस बात के। ये सेटिंग रखी हुई है, देखो बाइक के हाथ में झाड़ू है, ये लेकर आ गए, तिलियों वाली झाड़ू यहाँ लगेगी। इसकी वजह यह है कि ग्रीन मैट के ऊपर से मट्टी इतनी आसानी से हटेगी नहीं, तो ये तिली वाली झाड़ू से मट्टी बहुत आसानी से हट जाएगी। तो हम यहाँ पे जल्दी से झाड़ू देते हैं, इस जगह को अच्छा लुक देते हैं, क्योंकि आप देख चुके हो सनसेट भी हो रहा है, अंधेरा इससे पहले हो जाए हम अपना काम जल्दी से फाइनल करते हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे पास ये भी लगे हुए हैं हैंगिंग पॉट, तो इसकी भी डिटेल मैं आपको देता हूँ जल्दी से, पहले हम सफाई कर ले ताकि अंधेरा ना हो पाए। दूसरा प्लांट हमने ये उठाया है, ये कौन सा प्लांट है? ये डम कैन। डम कैन, आई थिंक इसको डिफन कबाचिया भी बोलते हैं। डिफन बाकिया, ओह सॉरी, डिफन बाकिया ये प्लांट है, इसको हमने लगा दिया है। इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। असल में हमारा यहाँ बहुत बड़ा गार्डन है, आपको मैं एक लुक दिखा दूँ। नीचे भी आप देख सकते हैं, ये लाइन से हमारे पौधे यहाँ रखे हुए हैं, और वो सामने क्यारी है, ये सब हमारा बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा सेटअप है। तो जो प्लांट नीचे ख़राब हो रहे थे उसको हम ये लोकेशन दे रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये बहुत बेहतरीन लोकेशन है एक, और यहाँ पर जो है ना बहुत आसानी के साथ ये इसकी ग्रोथ भी चलती है। तो एक हिसाब से आप समझे इसका यहाँ पे इलाज हो जाएगा। तो अभी इसकी हालत आप देख रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद मैं आपको इसकी अपडेट्स दूंगा, तो उसमें आपको देख लेना कि इसकी बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे ये ला के रखा, इसका क्या नाम है? बम्बू पाम। ये वाले भी, ये सारे बम्बू पाम है, इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं और दूसरे प्लांट्स उठा के लाता हूँ, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये कौन सा प्लांट है अपना? ड्रेसिना। वाओ, ड्रेसिना प्लांट है ये, अपना ब्राउन कलर में है, डार्क ब्राउन कलर है इसका, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स है ये। आप इसके पत्ते वगैरह देख सकते हैं, तो एक अलग ही लुक दे रहा है यहाँ पर ये बम्बू पाम के साथ। ये ड्रेसिना प्लांट है हमारा, डिफन कबाचिया है,
और भी प्लांट्स हम लाते हैं, हम उसकी भी अपडेट्स आपको देते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स है और हम कौन से प्लांट्स यहाँ पे रखने वाले हैं। तो भाईजान ये कौन सा प्लांट्स है? ये लेडी पाम। ये लेडी पाम है, वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लीव्स आपको इसको दिख रहे होंगे, ये देख सकते हैं ब्यूटीफुल लीव्स है। तो इसके बराबर में हमारा ये वाला प्लांट आ गया, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। और देखते हैं यहाँ पे एक और प्लांट हमारा आ रहा है, इसका क्या नाम है प्लांट्स का? मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा, वाओ ब्यूटीफुल, इसके लीव्स कितने बड़े हैं, वाओ हम दोनों के हाथ आ चुके हैं, इसके बावजूद भी ये लीव्स बहुत बड़ा है और ये ब्यूटीफुल है बहुत। इसको आपने यहाँ पे बांधा हुआ है बम्बू से? हाँ, इसको मॉस स्टिक लगाई हुई है। मॉस स्टिक लगाई है इसकी, झुक जाते हैं इस वजह से। तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है इस वक्त, थोड़ी सी इसके लीव्स के ऊपर डस्ट है, उसको हम पानी का शावर देंगे तो ये फिर चमक जाएगा, तो फिर एक नया लुक आ जाएगा हमारे यहाँ पर। और प्लांट्स देखते हैं, वाओ शेफलेरा शेफलेरा, इसके लीव्स बहुत डिफरेंट है और यूनिक कलर है इसके यार। और अम्ब्रेला स्टाइल, अम्ब्रेला स्टाइल बनता है इसका, ये यहाँ से झुक रही है तो कैसे बनाएंगे इसका अम्ब्रेला स्टाइल? सहारा देना पड़ता है इसको। तो गाइस इसको हम सहारा देंगे तो ये टेनिया यहाँ से ही ऊपर आके ये अम्ब्रेला स्टाइल की बन जाएंगी। और आप इसके लीव्स देखें कितने ब्यूटीफुल लीव्स है, तो एक बेहतरीन लुक आएगा, इसको हम बांधेंगे भी। वाओ ये अब कौन सा प्लांट्स है? फ्लोडेंड्रोन। हाँ ये सब बच्चों ने काट दिए। अच्छा बच्चों का काम है ये खराब करने का। हाँ। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं घर में हमारे बच्चे भी है माशाल्लाह से, तो बच्चों का काम तो आपको पता है कि बच्चों का काम वो तंग करना होता है और ये प्लांट्स को बहुत बचाना पड़ता है हमको बच्चों से। इसीलिए मैंने जैसे आपको पहले कहा था ना कि ये हमारी जो छत है रूफ टॉप, ये एक हिसाब से मेडिकल सेंटर भी है, यहाँ पे जो प्लांट्स हमारे गार्डन के ख़राब हो जाते हैं हम उनको ऊपर लेकर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और 2 से 3 महीनों में वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, न्यू बन जाते हैं, फिर हम उनको शिफ्ट कर देते हैं दूसरी जगह पर। तो ये भी एक ब्यूटीफुल प्लांट है, आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ फिर से अच्छे से शुरू हो जाएगी। एक और हमारा प्लांट आ रहा है, इस प्लांट का क्या नाम है? बूस्टन फन। अच्छा ये किस तरह का प्लांट होता है? ये पूरा के पूरा जो ना इस तरह के लीव से जो ना ये भर जाता है, इस ये वाले लीव से भर जाएगा। वाह ये भी एक यूनिक प्लांट लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। ये नीचे थोड़ा खराब हो रहा था तो इसको भी यहाँ लिया। ठीक है ठीक है, मतलब इसका यहाँ पे इलाज होगा और ये भी अपना एक ब्यूटीफुल लुक देगा, बेहतरीन हो गया बेहतरीन। और चेक करते हैं हमारे पास और कौन कौन से प्लांट्स हैं, सारी अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप बने रहिए। और जब तक आप एक काम करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये प्लांट्स तो आपको पता है मनी प्लांट है, नियन फोटोस। थोड़ा यूनिक है, मतलब इससे डिफरेंट है, ये वाले फोटोस से डिफरेंट प्लांट है ये वाला। तो ये यहाँ पे लग रहा है, जिस जगह लगा हुआ था खराब हो रहा था, इलाज के लिए यहाँ आया। हाँ आप देख सकते हैं इसके लीव्स कितने काले काले हो गए, तो यहाँ पे अब इसकी हम ट्रीटमेंट देंगे, इसको इसका ख्याल रखेंगे। तो हम ट्रीटमेंट किस तरह से देते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, तो वही जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे कि हम किस तरह से हमारे प्लांट्स को संभाल रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं और कौन कौन से प्लांट्स हैं। ड्रेसिना की फैमिली से बिलोंग करता है, ड्रेसिना की फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट्स। इसका थोड़ा सा अलग से नाम है। इसका नाम मैं नेट पर चेक करके स्क्रीन पे दे दूंगा आपको, स्क्रीन पे इसका नाम नज़र आ रहा होगा। तो इसको भी हम वहाँ पे रख रहे हैं, ये पॉट्स बहुत वजनी होते हैं, इतना आसान इनको उठाना नहीं होता है। तो अभी भी काफ़ी प्लांट्स हमारे पास बाकी रहेगा यहाँ पर। ये वाला देखिए, ये दो प्लांट है क्या? ये एक ही प्लांट है। तो नीचे लीव्स अलग है ऊपर अलग है, ये कैसे है? फ्लावर है ना, स्टिक आते हैं, स्टिक वाले। अच्छा अच्छा, मतलब ये प्लांट है, क्या नाम है इसका? प्लांट का नाम है, चलो गाइस जहन में नहीं आ रहे, मैं आपको अपडेट करता हूँ कि क्या नाम है, स्क्रीन पे लगा दूंगा। लेकिन आप इसकी ब्यूटी तो देखें, क्या ब्यूटी है इसकी, मतलब नीचे ये लीव्स है और इसकी स्टिक्स यूँ लंबी हो गई, इसके अंदर ये फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये विंटर में फ्लावरिंग करता है, अभी फ्लावर इसके सूख चुके हैं। सूखने के बावजूद भी आप ये रेड रेड जो नज़र आ रहे हैं ना, आपको दिख रहे होंगे कि कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं ये रेड रेड, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स है ये। कलंचू नाम है इसका, कलंचू नाम है गाइस, नाम याद आ चुका है, कलंचू नाम है इस प्लांट्स। तो गाइस अब हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग है, ये खाली पॉट को हम रखते हैं बाहर, और ये वाला जो प्लांट था फन वाला, क्या नाम था इसका? बूस्टन फन था। इसको हम जगह चेंज करके, ये जो पिलर आ रहा है रूफ टॉप के साथ, यहाँ भी एक प्लांट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लगती है टेबल चेयर, यहाँ पे हम चाय पीते हैं, तो इस पिलर के साथ एक पॉट आ जाएगा तो इसका एक लुक ही अलग हो जाएगा। तो इस पॉट को हम रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ के लिए हमने ये सोचा है आप यहाँ पर आइए, ये बाहर देखिए, ये एक प्लांट है कैक्टस नाम है इसका, फुल ऑफ कांटे हैं,
और ये धूप में भी रहता है और ये इस तरफ भी धूप आती है और काफ़ी बड़ा हो चुका है प्लांट हमारा, तो हम चाह रहे हैं कि इसको भी उठा के अंदर की तरफ कर दें। वहाँ पर प्लेट्स उठाओ, ये वाले ज़रूरत नहीं है ना। तो ये देखिए, इसमें खतरनाक कांटे होते हैं, बच्चों के लिए बड़ा डेंजरस है। अगर आप इसको घर पर लाते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चों से इसको बचा के रखना। ये देखिए, अब ये यहाँ पे सेट हो चुका है। सेट हो गया दीवार पे, कोई मसला तो नहीं है? हाँ, सहारा दे रहा है दीवार का, क्या कर रहा है? सहारा की जरूरत नहीं। हाँ भले यूँ कर दे इसका रुख, ये इस तरफ आएगा ना तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, हमने इसको यहाँ लगा दिया है। ये, तो ये क्या चीज़ है? ये जेट प्लांट है? नहीं नहीं, इसका अच्छा ही नाम है जो ऊपर लगा हुआ है। ये हैंगिंग प्लांट में हमारे पास रखे हुए हैं, तो इन्होंने यहाँ पे इसकी कटिंग डाली थी। आप देख सकते हैं कि इसकी कटिंग यहाँ पे शुरू हो गई है। इसका नाम मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। और कुछ प्लांट जंगली आ चुके हैं। ये जंगली है? हाँ, जंगली प्लांट है। अभी इसको हम छेड़ते नहीं है, इस वक्त हम सिर्फ डेकोरेशन देते हैं। बाद में फिर हम इसके वीड्स वगैरह जो है निकाल लेंगे ताकि एक और थोड़ा सा लुक आ जाए। अभी भी ये बुरा नहीं लग रहा है, ऊपर कांटे है और नीचे से इस तरह ये भरा हुआ है प्लांट्स के साथ, तो ये भी एक अपना नया लुक दे रहा है। तो हमने काफ़ी प्लांट्स यहाँ पे सेट कर दिए हैं। अब यहाँ चल के देखते हैं कि और क्या पोजीशन है यहाँ पर। पुदीना, तो पुदीना यहाँ पे हमने पुदीना भी लगाया हुआ है। पुदीना के हमारे पास तकरीबन 5 पॉट है। इसके अलावा स्नैक प्लांट है, ये वाले और वहाँ वाले, इसको अभी हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। और एलोवेरा के एक ये प्लांट है, और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास प्लांट्स है। तो हमारा इरादा ये है कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इन तमाम एलोवेरा को शिफ्ट करेंगे डिफरेंट, मतलब तकरीबन ये 10 पॉट है, इससे हम 50 पॉट बनाएंगे। ये तकरीबन सब मिला के 50 के करीब हमारे एलोवेरा हो जाएंगे, तो इसको हम अलग करके शिफ्ट करेंगे। तो इसको भी यहाँ पे नहीं रखते हम। इसी तरह एलोवेरा हमारे 3 पॉट है, ये भी शिफ्ट करेंगे तो 10 से 12 पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये हैंगिंग प्लांट है, तो ये इन हैंगिंग प्लांट को हम अपने घर पर नीचे जाएँगे, वहाँ पर हमारी बालकनी है, इसको हम वहाँ पर हैंग कर देंगे, तो इसको भी यहाँ पर नहीं करते। और ये कुछ छोटे छोटे पौधे रह गए, ये मैं पूछता हूँ भाई से कि इनको कहाँ पे लगाना है। इन छोटे पौधों को कहाँ पे लगाना है? बड़े पौधों के आगे इनको रख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास कुछ खाली पॉट्स वगैरह रखे हुए, ये सेफ साइट है हमारे लिए, कभी ना कभी काम आते रहते हैं। तो अभी क्या करना है अपने को? तो फ्रेंड्स, हमने ये डिसाइड ये किया कि पुदीना के जो 5 प्लांट है इसको हम इन प्लांट्स के आगे लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक शेडी एरिया बनता है हमारे यहाँ पे और हल्की सी धूप आती है 2 घंटे के लिए, तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो ये हमारे 5 प्लांट है पुदीना के, इनको हमने यहाँ पे लगा दिए। काफ़ी घने भी होंगे, आप देख सकते हैं पुदीना कितना ब्यूटीफुल दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। तो पुदीना हम यहाँ सेट करते हैं और इसके बाद मैं आपको दूसरे प्लांट्स बताता हूँ जो हमारे रह गए, उनको हम क्या करने वाले। माशाल्लाह से ये पुदीना देखिए कितना ग्रोथ, कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। वाह, माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ तक ये नीचे लटक के आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कटिंग कर लेंगे ताकि इसकी ग्रोथ और अच्छे तरीके से हो सके। छोटे प्लांट्स भी हमने उठाने शुरू कर दिए हैं। इस प्लांट्स का क्या नाम है भाईजान? ये रियो प्लांट है। और यहाँ पे आप छोटे प्लांट देखिए, ये वाले जो है कोलियस के प्लांट्स हैं, ये तीनों कोलियस हो गए, वो रियो प्लांट हो गए। इनको हम यहाँ पे लाइन से रख रहे हैं। पीछे वाली लाइन हमारी परमानेंट हो गई है, बड़े पौधे जो थे हमने उसको पीछे रखा है। और ये छोटे छोटे पौधे जो पुदीना के हो गए और ये कोलियस हो गए, और ये एक छोटी सी हमने कटिंग लगाई थी केक्टस की, आप देख सकते हैं केक्टस की कटिंग है, हमारे पास बेहतरीन चल रही है। फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने सारे प्लांट्स को डेकोरेट कर चुके हैं। अब मैं आपको एक फाइनल लुक दिखाने वाला हूँ हमारे रूफ टॉप का, तो आप रेडी हो जाए देखने के लिए कि कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये देखिए, ये मैंने कैमरे को ऊपर ले गया और यहाँ से आपको एक दिख रहा होगा फाइनल लुक। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन लुक आ रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं हमने मनी प्लांट की ये ग्रिल को कवर करने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये पिलर के साथ हमने एक प्लांट्स लगाया है, और ये पूरा ग्रीनरी है। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम टेबल चेयर लगाते हैं। और इस तरफ आप आइए, हमारे यहाँ पर हैंगिंग प्लांट्स लगे हुए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमने जो परमानेंट बड़े पॉट्स को शिफ्ट किया है, यहाँ पर आप पीछे से हमने पूरी लाइन चलाई है, इन सब के नाम्स डिटेल्स सब आपको मैंने बताया है। और ये हमारा मॉन्स्टेरा और बम्बू पाम, ये सब इस तरह से हमने आपको सेटिंग बताई है। आगे हमने पुदीना लगाया है और कोलियस वगैरह, ये हमारी सेटिंग है। आप लुक देखें कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है माशाल्लाह से। तो एक बेहतरीन लुक आया है, हमने अपने रूफ टॉप को एक बेहतरीन लुक दे दिया है। तो बहुत आसान तरीके से हम अपने रूफ टॉप को प्लांट से बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो, हमने आपको बताया। और इससे पहले
भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इस ग्रिल की, मनी प्लांट्स की, वो भी मैं आपको मेरे चैनल से मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम अपने चैनल पे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स की वीडियो और यूनिक तरीके से हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं अपने गार्डन के अंदर। हमारा बहुत बड़ा गार्डन है, हमारे पास तकरीबन 100+ प्लांट्स है और ये सब हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। तो इसी तरह हमने आपको ये अपडेट्स दिए, तो मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इसका फ़ायदा आपको पता है कि अगली जो भी अपडेट्स हम आपको देंगे वो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी फाइनल वीडियो। तो अब हम मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।